हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैशनिका सौदन एंड आज हम ठाकुर पब्लिकेशन के बुक इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री एंड ड्रामा 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बुक राजस्थान में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 से, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1350 टू 1660। सो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि लिटरेचर क्या। सो लिटरेचर जो है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। द वर्ड लिटरेरा या लिटरेचर डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेरा, ओके, विच मीन्स राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। कौन कौन से पीरियड्स हमारे कोर्स में है? सो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा चौसेरियन पीरियड, ठीक है, 1550 टू 1400। फिर आ जाएगा हमारा रिवाइवल ऑफ लर्निंग 1400 टू 1550। फिर आ जाएगा इंग्लिश रेनेसांस, 1500 से 1660 तक चला है एंड इसमें हमारे फोर सेपरेट पीरियड्स रहे हैं, इलिजाबेथियन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, लेट रेनेसांस एंड प्यूरिटन एज, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एज से, जो कि है एज ऑफ चौसर। सो चौसर का जो एज है वो 14th सेंचुरी से लेके अर्ली 15th सेंचुरी तक रहा है एंड इसमें जो है हमें इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो जोसफ्री चौसर के सबसे ज्यादा वर्क हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। अब ये इनकी प्रोमिनेंसी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे एज को इनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसकी जल्दी से हम चलते हैं हिस्ट्री पे। तो इस एज में चौसर ने ही मेजर लिटरेरी वर्क स्टार्ट किया है। इससे पहले इंग्लिश लिटरेचर हो रहा था बट वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं थी। जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट थी। प्रॉपर इंग्लिश जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो चौसर के टाइम से स्टार्ट हुई है। अगर देखा जाए कि उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, तो स्टार्टिंग में तो एडवर्ड 3rd रूल कर रहे थे एंड इनकी डेथ के बाद जो है इनके ग्रैंडसन आते हैं रिचर्ड 3rd, ठीक है। एंड रिचर्ड 3rd के टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं एंड इन रिवोल्ट्स के चलते जो है रिचर्ड 3rd को पावर से हटा दिया जाता है एंड इसी ड्यूरेशन में जो है ब्लैक प्लेग या ब्लैक डेथ जो है वो भी हुई थी, जिसकी वजह से पावर्टी, अनरेस्ट एंड रिवोल्ट पीजेंस के बीच में आ गया था। एंड इसके अलावा इस एज में जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई थी, जिसकी जरूरत हमें पड़ी थी कि चर्च के जो चीजें हैं, जो रूल्स हैं चर्च के, उनको प्रैक्टिस किया जा सके। मेजर क्रिटिक्स की बात करें तो विलक्लिफ इसमें आ गए थे, लॉरेड आ गए थे एंड लांग लैड मेजर क्रिटिक्स में रहे हैं। ये वो पीरियड है जिसमें मिडिल क्लास बहुत ज्यादा पावर में आ गया है, सोशल स्टेटस उनका बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड चौसर ने इतनी सारी चीजें लिखी थी, इतने प्रोमिनेंट रहे हैं कि इन्हें जो है नाइट स्टार या मॉर्निंग सन के नाम से इन्हें जाना गया है, ऑफ लिटरेचर, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आगे चलते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चौसर्स एज। रिलीजियस बैकग्राउंड की सबसे पहले बात करते हैं, तो रिलीजियस बैकग्राउंड क्या रहा कि इस टाइम पे जो है चर्च बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है एंड चर्च के जो लोग थे वो करप्शन में जा ही रहे थे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कंडीशंस। सो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे कि बार बार किंग्स बदल रहे थे एंड पॉलिटिकल रिवोल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, एक प्रॉपर डिसऑर्डर उस टाइम पे बना हुआ था। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि 3 किंग्स बदले हैं एंड कई हद तक जो पीजेंस थे एंड ब्लैक डेथ की वजह से जो पीजेंस थे एंड बाकी लोग थे वो भी बहुत परेशान रहे। एक प्रोमिनेंट चेंज जो यहाँ पे आया है वो यह है कि पीजेंस जो है उनके पास कोई पीजेंस जो थे फ्यूडलिज्म इस टाइम पे हट गया है एंड पीजेंस जो थे वो डिवाइड हो गए किसमें किसमें। पहले तो वो सिर्फ पीजेंस थे, फिर सिर्फ फार्मर्स थे, बट फ्यूडलिज्म हट गया, लोग चर्च और हर चीज की वजह से जो किंगडम था उसको छोड़ना भी शुरू कर चुके थे। इसी वजह से जो पीजेंस थे वो टर्न हो गए क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स, आर्टिशियंस। ये भी आपको द कैंटरबरी टेल्स में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। सोशल कंडीशंस की बात करें तो ब्लैक डेथ की वजह से 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी, एवरीवन वाज स्केयर्ड एंड चर्च की भी चीजें चल ही रही थी। इसी वजह से एक सोशल अनरेस्ट हर जगह आया हुआ था एंड ये जो अनरेस्ट था इसी की वजह से फ्यूडलिज्म भी हट गया, लोग रहने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, लॉर्ड्स हट रहे थे, पीजेंट्स हट रहे थे। तो एक प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो कि इस टाइम पे मेहम और क्योस वहां पे बहुत अच्छे से आ गया था। अब हम बात करते हैं मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड सिमेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस एज।
तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आ जाता है, नोटेबल फीचर आ जाता है, वो है स्टैंडर्डाइजिंग इंग्लिश। सो अभी तक मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले का जो पीरियड था उसमें जो इंग्लिश थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो बहुत अलग थी एज कम्पेयर टू नाउ। इस पीरियड में यानी कि चौसर के एज में एक इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाई गई जो कि पूरे ईस्ट मिडलैंड में बोली जा रही है, हर इंस्टीट्यूट में, हर कैपिटल में बोली जा रही है। एंड ये जो है ये एक एक्सेप्शन सिर्फ रहा कि स्कॉटिश ब्रांच जो है वहां पे, जो स्कॉटलैंड का इन्फ्लुएंस जहां जहां रहा है वहां पे ये इंग्लिश नहीं जा पाई, बाकी हर जगह जो है इस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस चला गया है, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का फॉर्मेशन आ गया है। कैसे आया? फ्रेंच और इंग्लिश के मिक्सचर से आ गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अ क्यूरियस मॉडर्न नोट बिगिंस टू बी अपेरेंट। अब इस टाइम पे जो है लोग जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके थे, एक लोगों के अंदर क्रिटिसिज्म की स्पिरिट आ चुकी थी कि हर चीज को हमें क्वेश्चन भी करना है। एंड लोगों के अंदर जो है एक लोगों के अंदर एक फेथ और जितनी चीजें थी उनको लेके क्वेश्चन करना स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। वो रोमांटिसिज्म एक ट्रेंड आ गया था लोगों को कि अब थोड़ा सा हम रोमांटिक साइड पे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं जो हमारा पार्टनर की तरफ रोमांस होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, प्लेटोनिक रोमांस की बात अभी यहाँ पे नहीं हुई। फर्स्ट प्रोज इसी पीरियड में आई है एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोज यहाँ पे हो गया है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है? ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बर्नार्ड मेडविल एंड थॉमस मेलोरे ने किया है। ये एक चीज नहीं आई। इसके अलावा स्कॉटिश लिटरेचर में एक चेंज हुआ कि स्कॉटिश लिटरेचर यानी कि स्कॉटलैंड में जो है पोएट या पोएट्री वहां पे आनी स्टार्ट हो गई। एंड ये सबसे ज्यादा किसके फॉर्म में आई? जॉन बर्बन के फॉर्म में आई। इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं, तो वहां पे बैलेट और फोक पोएट्री भी आनी स्टार्ट हो गई इसी पीरियड में। ओरल जो बोलना था, ओरल जो गाना था, रेसिटेशन था, वो सब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इस एज में। एंड मेजर थीम्स इस टाइम के क्या कौन कौन से रहे हैं? लव, हीरोइज्म एंड सुपरनैचुरल। इसके अलावा आर्थेरियन लेजेंड्स आ गए हैं। किंग आर्थर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारे लेजेंड्स हैं इनके। एंड वो सारे लेजेंड्स का जो रूट हो रहा है वो चौसर के एज से स्टार्ट हो गया है, ओके। इसके अलावा सटायरिकल पोएम्स भी इसी टाइम पे आई हैं। सबसे जो पॉपुलर पोएम रही है वो जॉन गोवर की कन्फेशो एमेंटिस रही है। एंड इसके अलावा अगर आप चौसर के अगेन कैंटबरी टेल्स पढ़ते हैं इसमें भी आपको सटायरिकल एलिमेंट्स बहुत अच्छे से दिखेंगे। कैंटबरी टेल्स जो है वो आप कह सकते हो इस पीरियड की, इवन इंग्लिश लिटरेचर की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट कि इस टाइम पे जो है एलेगरी एंड मॉरल लिटरेचर्स ये भी आने स्टार्ट हो गए थे। लोगों को मॉरल नॉलेज भी देना स्टार्ट कर दिए गए थे, जो चर्च में वो सीख रहे थे उससे रिलेटेड भी उनको चीजें लिटरेचर में लिखनी स्टार्ट हो गई थी। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो रहेगा पर्ल एंड पायर्स प्लोमैन, जो कि विलियम लांग लैंड ने लिखी थी। बहुत अच्छे से इन्होंने एलगरी दिखाई है इन दोनों राइटिंग्स में, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स पे। इस टाइम के जो मेजर राइटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया कि चौसर है। चौसर के अलावा और कौन कौन है? तो जॉन ग्रोवर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके जो वर्क सबसे ज्यादा, दो आपने को ऊपर पता चल गए, बाकी स्पेकलम मेडिटेटस ये बहुत रहा है इनका फेमस। इन्होंने बहुत अच्छे से कंपटीशन दिया था चौसर को। इसके अलावा कन्फेशो एनिमेटस ये भी रहा है, ये इंग्लिश में लिखी गई। इसके अलावा विलियम लांग लाड रहे हैं। इनकी जो सबसे ज्यादा ऊपर तो मैंने एक बता दी, यहाँ पे द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर प्लोफमैन जो है ये भी बहुत ज्यादा फेमस रही है। पोएट्री है ये, एलिगरी पे बेस है एंड काफी अच्छे से चली है इस टाइम पे। जॉन बर्बन की बात करें, एक तो मैंने ऊपर बता दी थी, दूसरी इनकी है ब्रूस, ये भी बहुत लॉन्ग पोएम है, 20 बुक्स में डिवाइडेड है एंड बहुत अच्छे से चीजों को समझा रही है। 13,000 लाइन्स लिखी गई थी, सो इट इज एन एपिक, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये पूरा पीरियड जो है वो 1400 से 1550 तक है, ठीक है। एंड इसमें हमारा रेनेसांस भी आ जाता है। दो मेन टर्म्स
या आप कह सकते हो दो मेन चीजों पे फोकस रहा है, फर्स्ट तो रेनेसांस हो गया है, सेकंड इज ह्यूमैनिज्म। इन दोनों टर्म्स के रेफरेंस पे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं एंड मिडिल एज में इस पीरियड में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। सो हम सीधा स्टार्ट करते हैं रेनेसांस से। सो रेनेसांस ये आप कह सकते हो 1400 से 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला है, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक चला है। बट द थिंग वाज कि फ्रांस में ये स्टार्ट हुआ है, फ्रांस के अराउंड स्टार्ट हुआ है एंड एग्जैक्टली इटली से स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद धीरे धीरे करते हुए पहले फ्रांस तक पहुंचा, फिर स्कॉटलैंड तक पहुंचा एंड धीरे धीरे करके ये इंग्लैंड में भी आया है। सो इसका ओरिजिन भी फ्रेंच टर्म से है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, एंड रेनेसांस का लिटरल मीनिंग जो होता है वो भी है रीबर्थ। अब रीबर्थ किसका, लिटरेचर का, या आप कह सकते हो थिंकिंग का, जो है हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है एंड लिटरेचर जो है उसके रीबर्थ की बात की जा रही है। एंड इसमें जो है राइटर्स ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया, रीबर्थ हो रहा है, लिटरेचर का रीबर्थ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फोकस उस टाइम पे एंशियंट ग्रीस और रोम पे चला है। अगर आपको रेनेसांस समझनी है या इस पीरियड को समझना है, इस पीरियड के किसी भी पोयम कुछ भी अगर आप उठाएंगे उसमें आपको एंशियंट ग्रीस और रोम का रेफरेंस मिल जाएगा। हार्डली कोई एक ऐसा होगा जहां पे इन दोनों का रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड इसमें मैंने पहले ही बताया कि एलिजाबेथियन पीरियड आपका आएगा। एलिजाबेथियन पीरियड को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की अगर इस पीरियड की बात करते हैं तो ये पीरियड अब चौसर की डेथ के बाद ये जो 150 ईयर्स रहे हैं ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही अनसेटलिंग पीरियड रहा है। एंड इसकी जो स्टार्टिंग में जो रूलिंग हुई है वो हेनरी फिफ्थ की हुई है एंड वहाँ पे सिविल वॉर बहुत मतलब आने की कगार पे थी कि अगर किंग ने कुछ नहीं किया तो सिविल वॉर आ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए किंग हेनरी फिफ्थ ने क्या किया, ये इन्होंने एम बनाए, तीन एम इन्होंने बनाए कि इन्हें तीन चीजें चाहिए। पहला, इन्हें फ्रेंच रेवेन्यू चाहिए, दूसरा इन्हें फ्रेंच वाइफ चाहिए एंड तीसरा फ्रेंच क्राउन चाहिए। सो सिविल वॉर से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेंच पे अटैक कर दिया एंड ही वेंट ऑन अ वॉर फॉर 5 ईयर्स एंड यहां से जो है बैटल ऑफ अगेनकोर्ट स्टार्ट हुई जो कि 1415 में स्टार्ट हुई एंड इसके 5 साल बाद ट्रीटी साइन की कर ली गई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिसके चलते ही गॉट द रूल टू फ्रांस। एंड इवेंचुअली इनकी डेथ के बाद जो है हेनरी सिक्स आए, हेनरी सिक्स ज्यादा संभाल नहीं पाए, ही वॉज अ शैडो किंग। शैडो किंग इसलिए बोला जा रहा है ना कि ये खुद रूल नहीं करते थे, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय द नोबल मैन, जो उनके अंडर जो मिनिस्टर्स थे वो कंट्रोल करते थे इन्हें। तो इवेंचुअली ही लॉस्ट ऑल द पावर एंड फिर से जो फ्रेंच के दो केसेस रहे हैं, फर्स्ट रहा है केज रिवोल्यूशन एंड नेक्स्ट रहा है द ब्लडी वॉर ऑफ द रोजेस। इन दोनों चीजों की वजह से जो है क्या हुआ, इंग्लैंड के पास से फ्रेंच का जो भी था वो सब फ्रांस वालों को वापस मिल गया। एंड इसके बाद आए रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड ने चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की। सबसे पहली चीज जो इन्होंने संभाल ली वो ये थी कि इन्होंने सिविल वॉर को रोक लिया था, अभी तक और कोई किंग रोक नहीं पाया था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो था फ्यूडलिज्म का उसे रोक लिया था इन्होंने। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था किंग रिचर्ड सेकेंड का। इसके बाद जो है हेनरी एट आए एंड हेनरी एट ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, लेस वॉयलेंस किया, फाइट ज्यादा नहीं की इन्होंने एंड इन्होंने धीरे धीरे जो है नेशनल पावर को एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले तो अपने किंगडम पे प्रॉपर कंट्रोल लिया, प्रॉपर चीजें एडमिनिस्टर किया एंड उसके बाद ये अब्रॉड भी चले गए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एंड इनकी वजह से आया रिफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इस टाइम के लिटरेरी मूवमेंट्स की, क्या क्या हुआ है इस टाइम पे। तो पोएट्री में जो क्या क्या हुआ है, सो पोएट्री में इस टाइम पीरियड को हम लोगों ने इमिटेटिव पीरियड कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि इस टाइम पीरियड में चौसर की स्टाइल्स को कॉपी ही किया गया है अगले 150 साल तक। सोचिए चौसर अपने पीरियड का तो नाम उनका रखा ही गया, इतने अच्छे राइटर थे कि अगले 150 साल तक उन्हीं की स्टाइल को कॉपी भी किया गया। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है स्कॉटिश जो पोएट्स आए थे उन्हें जो है स्कॉटिश चौसेरियन कह दिया गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने चौसर की स्टाइल को फॉलो किया था एंड वो स्कॉटलैंड के थे। प्रोमिनेंट पोएट्स की बात करें तो रॉबर्ट हेनरीसन,
ग्रेविन डगलस, विलियम डनबर्ग, ये सब प्रोमिनेंट स्कॉटिश राइटर्स हैं, स्कॉटिश पोएट्स हैं। इंग्लैंड में वापस आते हैं या इटली की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो आगे हमारे सर थॉमस वॉल्ट, इटालियन सोनेट इन्होंने लिखी थी एंड इनका साथ दिया था हेनरी हार्वर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। एंड इन्होंने इन दोनों को मोस्टली इनकी पोएम्स के लिए नहीं जाना जा रहा है, इनको दो चीजों के लिए जाना जा रहा है। फर्स्ट, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। सेकंड, इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हैं, बट जो प्रोमिनेंटली इनको जाना जाता है वो इनकी 14 लाइन की पोएम रही थी लैटिन में, उसके लिए जाना जाता है। वॉइड को जाना जाता है कि इन्होंने विर्गिल की एक पोएम थी उसका ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किया था। ओके, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा इस टाइम पे जो ड्रामा चल रहे थे वो रिलीजियस ड्रामा भी थे, सेक्युलर ड्रामा थे एंड नॉन रिलीजियस ड्रामा भी थे। एक खास बात है कि इस टाइम पे जो ड्रामा होते थे वो स्टेज ऑन द व्हील यानी कि सिटी टू सिटी चेंज होते रहते थे, वो व्हील्स पे जाते थे एक सिटी पे, सिटी के सेंट्रल जो पार्क है या सेंट्रल जो पॉइंट है वहां पे उन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया एंड दे वेंट ऑन। इसमें मोस्टली जो रहा है, जो जो थीम रहा है, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द ईविल या गुड एंड द बैड। अगर सेक्युलर टॉपिक्स भी कहीं पर भी आ रहे हैं वहां पे भी रिलीजन का थोड़ा बहुत एलिमेंट हर जगह रहा है, चाहे वो सेक्युलर हो या नॉन रिलीजियस हो। ओके, प्रोज की बात करें तो इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है वो हो जाएगा विलियम टिंडेल का। एंड इन्होंने जो है न्यू टेस्टमेंट बनाया था, ट्रांसलेट किया था ओल्ड टेस्टमेंट को, उसमें थोड़े से चेंजेस किए थे। इन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को हेब्रू में भी ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा जो सेकेंड नाम हमारे सामने आता है वो आता है सर थॉमस मेलोरे का एंड इन्होंने डी मोरेट ले मोरेट दे आर्थर लिखी थी। एंड ये जो है, ये बुक जो है, इट इज द स्टोरी अबाउट द आर्थेरियन लेजेंड्स, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि किंग आर्थर एंड उनके नाइट्स के बारे में है। लव स्टोरीज हैं इसमें बहुत सारी। इसके अलावा रॉजर एशकम की टॉक्सोफिलस स्कूल ऑफ शूटिंग बहुत फेमस बुक रही है इस पीरियड की। इसके अलावा थॉमस मोर की यूटोपिया बहुत ज्यादा फेमस रही है एंड अर्शम की जो है प्रेस ऑफ फॉली बहुत फेमस बुक रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी बुक्स की बात करें तो न्यू टेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, विलियम सेरे, डी मोरेट आर्थर। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। तो इस एज को जो है रूल कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड इसका टाइम पीरियड है 1558 से 1603 तक का। अब इन्होंने इतने अच्छे से रूल किया इस पीरियड को कि इस पीरियड को जो है गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। बेसिकली इसमें थ्री स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले हम जल्दी से बात करते हैं सोशल की एंड फिर हम लिटरेरी पे आएंगे। सोशल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरा जो इनका स्ट्रक्चर था, हायरार्की थी, उसको इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे आ जाते थे रॉयल्स या जो रॉयल ब्लड के थे वो आ जाते थे। इनके नीचे आ जाते थे हमारे नोबल्स एंड जितने भी नोबल्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे वो आ जाते थे। एंड इसके नीचे आ जाते थे एरिस्टोक्रैट्स, ठीक है। एंड इसके नीचे आ जाते थे कॉमन मैन, जिसे इन्होंने योरमैन कहा है। ओके, अब ये था इनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ये था इनका। इसी में एक और डिविजन भी हुआ था जो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। रिलीजन के बेसिस पे दो थे, पहले थे कैथोलिक्स, जो कैथोलिक चर्च को मानते थे, जो जीसस क्राइस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे। फिर दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स, जो जीसस क्राइस्ट या बाइबल के रूल्स को थोड़ा सा कम मानते थे, मतलब वो थोड़े से कम स्ट्रिक्ट थे बाइबल के रूल्स को लेके। सो ये उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर था एंड उस टाइम पे ऐसी ही चीजें चल रही थी। सोशल स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक चीज जो इन्होंने बहुत नई लाई, यूनिक थी, वो ये थी कि इन्होंने मोनार्की तो ऑब्वियसली उस टाइम पे चल ही रही थी, बट इन्होंने काउंसिल भी ऐड किए, पैरवी काउंसिल ऐड किया। इसमें क्वीन के जो 7 मिनिस्टर्स थे, क्वीन के डिफरेंट मिनिस्टर्स ने जो है इनको संभालने की कोशिश की, इनको एडवाइसेस दी कि कैसे आपको रूल करना है। क्वीन मैरी के टाइम पे देवर 19, ठीक है,
19 मेंबर्स थे, फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे भी 19 मेंबर्स थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एलिजाबेथ को रियलाइज हुआ, क्वीन एलिजाबेथ को रियलाइज हुआ कि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जस्टिस और डिसीजन लेने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने मेंबर्स को जब तक वो मरी हैं या जब तक उन्होंने रूल्स हटाया है तब तक 13 मेंबर्स रह गए थे इस काउंसिल में। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज ऐड की, वो थी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज उन्होंने ऐड कर दिए। फर्स्ट हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे अपर हाउस कहा गया, इसमें जो है हमारे नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स आ गए। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बाकी लोग हो गए, कॉमन पीपल हो गए, वो आ गए थे इसमें। ओके, रिलीजियस बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे 2 क्लासेस चल रहे थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की। एंड इन्हीं को सपोर्ट करने में एलिजाबेथ ने ट्राई किया कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, वैसे तो वो प्रोटेस्टेंट्स का साइड ज्यादा लेती थी, कैथोलिक्स का साइड कम लेती थी, बट इनके रूल में प्रोटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा आगे आए हैं। बट इन्होंने ट्राई किया है कि कैथोलिक्स भी साथ में रह सके, जैसे एक सेक्युलर किंगडम को बनाने की इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है इस टाइम पीरियड में। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो न्यू क्लासिज्म आया, स्टार्टिंग यहीं से हुई कि न्यू क्लासिज्म आ गया। एंड ग्रीस, ग्रीक और लैटिन के जो वर्क्स थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिले। जो क्लासिज्म था, जो क्लासिक बुक्स थी इनकी, क्लासिक लिटरेचर था ग्रीक, रोमन, लैटिन का, उनको लाके नए वर्ड्स में नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस पीरियड में। अबंडेंस ऑफ आउटपुट, इस टाइम पे लिटरेरी आउटपुट बहुत ज्यादा रहा है, जैसे कि इससे पहले का जो टाइम पीरियड था हमारा रिवाइवल का, उसमें आज सच हमें ज्यादा मिले नहीं, एंड जो मिले भी हैं वो उतने हाई लेवल के नहीं है। सिर्फ आर्थेरियन एक है जो बहुत अच्छे से चला है, बाकी ऐसे चुपते चल नहीं पाए, ठीक है। बट इनके टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क्स आए हैं जो अभी भी हम पढ़ते हैं बुक में, हमें हमारे कोर्सेज में भी वो प्रिस्क्राइब होती हैं बहुत बहुत सारी। ओके, नेक्स्ट आता है न्यू रोमांटिसिज्म। न्यू रोमांटिसिज्म आ गया, जैसे हमारे शेक्सपियर आए वहां पे उन्होंने रोमांटिसिज्म स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रोमांटिक लव के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ओके, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में शेक्सपियर से पहले आ गए थे यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स, इट वाज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो किसी यूनिवर्सिटी से या तो वो पढ़ के आए या तो वो वहां पढ़ाते थे, किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहे हैं। ओके, एंड इसमें सिक्स राइटर्स का ये ग्रुप रहा है। एंड इन्हीं 6 राइटर्स ने जो है शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छे से पाथ बनाया है, लाइक जो स्ट्रक्चर होता था, जो स्टाइल होता था, भले ही उनका वर्क एज सच फेमस नहीं हुआ, बट उनकी वजह से शेक्सपियर को एक रास्ता मिल गया कि कैसे क्या चीज लिखनी है। ओके, दे बिकेम द इंस्पिरेशन ऑफ शेक्सपियर। ओके, पोएट्री की बात करें तो उस टाइम पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्री आई एंड उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश पोएट्री को एक बहुत ही ड्रामेटिक अप्रोच दी, प्रोज को बहुत अच्छे से दिखाया, एक बहुत ही ग्रैंड और ओरिजिनल वे में पोएट्री को इस टाइम पे दिखाना शुरू कर दिया। प्रोज तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे, प्रॉपर जो है इस पीरियड में आए हैं। लैटिन को हम लोगों ने पहली बार छोड़ दिया है, लैटिन का इन्फ्लुएंस छोड़ दिया है, एंड पूरा जो है वो नए ट्रेडिशनल ओरिजिनल तरीके से प्रोज लिखने स्टार्ट कर दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेजर वर्क्स की। मेजर वर्क्स की बात करें या मेजर राइटर्स की बात करें तो थॉमस वेट तो थोड़े बहुत इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व थे ही, इन्होंने हेल्प किया है शेक्सपियर, मेंटल, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, कीट, ये सारे ऑथर्स को इन्होंने हेल्प किया है कि आगे कैसे करना है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन इन्होंने दी है। ओके, अब बात करते हैं सर फिलिप सिडनी की। सो इनकी कौन कौन सी बुक्स सबसे ज्यादा चली है, सबसे पहले तो इनकी जो है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये कलेक्शन रही है, अभी भी पढ़ी जाती है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। इसके अलावा इनकी आर्केडिया, इट इज अ रोमांटिक नॉवल, एंड एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, एंड ये भी बहुत पढ़ी जाती है। इसमें टोटल 108 लव सोनेट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, इनका नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, ये आपको फिलोसफी में भी इनका नाम सुनने को मिल जाएगा। इनके अगर वर्क्स की मैं बात करती हूँ तो इनके इतने सारे वर्क्स रहे कि किसी स्पेसिफिक को नहीं कहा जा सकता, एंड इनकी जो पोएट्री है, इनकी जो पोएटिक स्टाइल उन्होंने लाई थी, उसको हम लोग आज भी स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज चैपमैन की। सो क्रिस्टोफर मार्लो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी फिर से बता दे रही हूँ, क्रिस्टोफर मार्लो को हम लोग किट मार्लो के नाम से जानते थे। एंड इन्होंने जो है एक बुक तो वो वाली लिखी थी, दूसरी इनकी जो बुक थी द हीरो एंड द लैंडनर्स इन्होंने लिखी थी, बट ये इनकम्प्लीट रह गई थी। तो इसको कंप्लीट करने का जिम्मा किसने उठाया था? चैपमैन ने उठाया था। इसके अलावा चैपमैन ने एक तो हीरो एंड द लैंडर लिख दी, चैपमैन ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था द इलियाड एंड ओडिसीज को, कहां से? ग्रीक से। ग्रीक फिलोसोफर थे होमर, उन्होंने लिखी थी इलियाड एंड ओडिसीज, इसी का इंग्लिश वर्जन चैपमैन ने दिया था। ओके, विलियम शेक्सपियर, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है इनके बारे में। जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, ये तो इनकी फेमस है ही। इसके अलावा इनकी लव सोनेट्स की बात करें तो वीनस एंड एडोनस इनकी सबसे फेमस रही है। इसके अलावा द रेप ऑफ लुक्रेस इनकी बहुत अच्छी दो सोनेट्स रही हैं। ओके, नेक्स्ट ऑथर की बात करें तो बेन जोनस भी रहे हैं। इनके वर्क्स की अगर मैं बात करती हूँ तो तीन कलेक्शन जो इनके सबसे ज्यादा चले हैं, फर्स्ट इज एपिग्राम, देन इज द फॉरेस्ट एंड द अंडरवुड। ये तीन प्रोज है, पोएट्री है, बहुत कलेक्शन है पोएट्री का। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक ओड टू हिमसेल्फ लिखी थी। अब हम बात करते हैं जॉन डन की। जॉन डन ने मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया था, एंड इन्हें हम लोग मेटाफिजिकल पोएट, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फिजिकल वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समथिंग जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हो, ठीक है। मेटा समथिंग दैट इज बियॉन्ड, कोई चीज जो फिजिकल रियल्म के बियॉन्ड है, या किसी चीज का कंपैरिजन जो हम थोड़े एक अलग तरीके से कर रहे हैं उसको हम कहेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री। एंड ही स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ पोएट्री। अगर मैं इनकी पोएट्रीज या सोनेट्स की बात करती हूँ तो द फ्ली बहुत अच्छी पोएम है इनकी, ये होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जॉन लेली की। तो जॉन लेली जो थी इन्होंने इफ्यूस द एटमी ऑफ विट लिखी थी, इसके अलावा इफेमस एंड हिस इंग्लैंड भी लिखी थी इन्होंने। मिथोलॉजी, क्लासिकल मिथोलॉजी पे ये बहुत ज्यादा काम करते थे। उस टाइम के जो आर्टिफिशियल प्रोज थे या आर्टिफिशियल चीजों को आर्टिफिशियल और एलिगेंट तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है वो इनकी राइटिंग से बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। जॉर्ज पीली की बात करें, एक चीज और नोट कर लीजिए, जॉन लीली यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर रह चुके हैं, ठीक है। जॉर्ज पीली भी यूनिवर्सिटी विट्स में से ही है। इनके लिटरेरी वर्क की अगर मैं बात करती हूँ तो बैटल ऑफ अल्काज़र, द आर्गुमेंट ऑफ पेयर्स, द लव ऑफ किंग डेविड, द फेयर बिस्टैम, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, द फेमस क्रॉनिक्स ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये सब इनकी पोएम्स इनकी बुक्स रह चुकी हैं, प्लेज रह चुके हैं। नेक्स्ट थॉमस कीट। थॉमस कीट भी ये यूनिवर्सिटी विट्स के हैं। अब इन्होंने ये प्यूरिटन थे, यानी कि ये प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। इन्होंने रिलीजन और गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी सारी बातें लिखी थी कि इन्हें डेथ सेंटेंस मिलने वाली थी, बट एट द एंड उनको नहीं मिलती है, इनको इंप्रिजनमेंट की सजा मिल जाती है। इंप्रिजनमेंट से जब ये बाहर आते हैं स्टिल ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट लिखते रहते हैं, एंड इसी वजह से इनका जो है कोई भी हमारे पास वर्क एग्जिस्ट नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास इनकी एक प्ले है, इसका नाम है कॉर्नीलिया। ओके, यही एक प्ले हमारे पास है, बाकी इनकी जितनी बुक्स थी वो सब हटा दी गई हैं, मिटा दी गई हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और पोएट्स जो इस टाइम के बहुत फेमस रहे हैं, जोसेफ हॉल, जॉन मार्स्टन, जॉर्ज विटर एंड विलियम ब्राउन, ये सब फेमस उस टाइम के रहे हैं। अब हम बात करते हैं जेकेबियन पीरियड की या जेकेबियन ईयर की। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1603 से 1625। इस टाइम जैसा नाम है किंग भी वही है, किंग जेम्स है। लैटिन किंग जेम्स जो है इनका जो नाम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जेकबस, एंड इसी वजह से जेकबिन पीरियड इसको कहा भी जा रहा है। एंड इसके बाद इसके जो लास्ट के 5 ईयर्स है यानी कि 1620, यहां से जो है पुरेटन एज भी स्टार्ट हो गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सोशल की बात करें तो इस टाइम पीरियड पे जो है पहले तो किंग जेम्स जो है ये स्कॉटलैंड के राजा थे, किंग थे। इवेंचुअली जो है इन्होंने क्या किया, ये स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, ठीक, सेम ही इंसान है याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में इन्हें जेम्स 6 के नाम से जाना गया क्योंकि स्कॉटलैंड में
ये सिक्स्थ नंबर पे थे, सिक्स्थ नंबर के किंग थे जिनका नाम था जेम्स। इसके अलावा इंग्लैंड में ये फर्स्ट किंग थे एंड इन्होंने रूल किसके बाद स्टार्ट किया, क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि जो डिविजन था अगेन एरिस्टोटल्स सॉरी कैथोलिक्स और प्यूरिटन्स के बीच में रहा, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में रहा एंड उस टाइम पे इनके टाइम पे जो है एंजेलियन चर्च की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। अब आप इस पीरियड को इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चीजें जो है थोड़ी सी डाउनफॉल पे चली गई हैं, वहां पे तो सही से चली हैं बट एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत अच्छे से चली है, बस इनके टाइम पे थोड़ी सी डाउनफॉल हो गया है, इकोनॉमिक पावर पूरी तरीके से चली गई थी, ठीक है। एंड इस टाइम पे एक नया क्लास हमारे सामने आता है, वो है हमारा मर्चेंट क्लास एंड इसी क्लास की वजह से सारी चीजें हुई हैं क्योंकि इनकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट आ गया। अभी तक था कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो एरिस्टोक्रेट है, उससे ज्यादा पैसे हैं तो वो एक नोबल है, सबसे ज्यादा कंट्रोल आ रहा है, सबसे ज्यादा पावर आ रही है तो वो रॉयल है एंड अगर कोई पावर नहीं है तो वो कॉमनर है। बट मर्चेंट्स के साथ थोड़ा सा इशू आ गया कि इनके पास ये किंगडम में तो मतलब सेल कर ही रहते पर ये किंगडम के बाहर भी जाके सेल कर रहे थे, तो उसकी वजह से इशू क्या आ गया कि भले ही ये कॉमनर है बट इनके पास जो है पैसे ज्यादा आ गए, तो अब जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई पावर। जिसके पास ज्यादा पावर है, हो सकता है कॉमनर के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाना है, ज्यादा पावर आ जा रही है तो वो एक एरिस्टोक्रेट बन जाए, तो ये एक इशू यहाँ पे उस टाइम पे देखने को मिल गया था। ओके, मेजर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो एलिजाबेथ के टाइम पे भी विलियम थे, विलियम शेक्सपियर थे, इस टाइम पे भी कुछ टाइम के लिए विलियम शेक्सपियर रहे हैं एंड उनकी जो बुक्स रही हैं ओथेलो, मैकबेथ, किंग लेयर, ये सब इन्होंने जैकबिन पीरियड के टाइम पे ही लिखा है। ओके, इसके अलावा जो राइटर्स आए हैं जॉन वेबस्टर बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जॉर्ज चैपमैन भी रहे हैं, थॉमस मिडलटन भी रहे हैं, ये सारे ऑथर्स हमें इस टाइम पे देखने को मिल गए हैं। थीम्स की जल्दी से बात कर लेते हैं या कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो अभी तक तो रोमांटिक पीरियड चल रहा था एलिजाबेथ के टाइम पे, रोमांटिक पीरियड आया, मेटाफिजिकल पीरियड आ गया, बट जैकबिन पीरियड के टाइम पे जो थीम्स थी वो बहुत ज्यादा डार्क होने लगी थी, ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा स्टोरीज दी गई थी। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडिक क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, मैंने अभी कहा कि ये जो हायरार्की थी इस पे क्वेश्चनिंग हो गई थी क्योंकि मर्चेंट्स आ गए थे एंड उन्होंने जो है सोशल ऑर्डर जो था, इकोनॉमिक ऑर्डर था, वो ऊपर नीचे कर दिया था। ओके, कंसीट इस टाइम पे आ गया था। कंसीट आप कह सकते हो किसी चीज को छुपा के या एक डिस्काइज वे में या किसी और तरीके से कहना, वो इस टाइम पीरियड पे आ गया था। कैसे आया था, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री इस टाइम पे बहुत अच्छे से चली है। एलिजाबेथ के टाइम पे स्टार्ट हुई, डन ने स्टार्ट की, बट डन के बाद इस टाइम पीरियड में मेटाफिजिकल पोएट्री आगे बढ़ती रही है एंड इसमें उन लोगों ने कन्वे करने की कोशिश की है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को। जैसे इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं जॉन डन की पोयम द सन राइजिंग का, जिसमें उन्होंने सन को क्या बोल दिया है, सन को बोल दिया है बिजी ओल्ड फूल। सन एक नॉन लिविंग थिंग है, वो वहां स्काई में है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ही इज अ बिजी या इट इज अ बिजी ओल्ड फूल, कोई सेंस नहीं बन रहा बट इन्होंने कहा है। सो ऐसी ही आपको ये कंसीट देखने को मिल जाएगा, कंसीट देखने को आपको मिल जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री में। ओके, मेटाफिजिकल पोएट्री हो गई। ओके, अब हम सीधा चलते हैं हमारे मेजर लिटरेरी राइटर्स पे। तो शेक्सपियर मैंने बता दिया कि शेक्सपियर तो थे एंड उनकी मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये सब बुक्स रही हैं। बेन जॉनसन भी थे इस टाइम पीरियड में, इनकी बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वोल्पोन, द एल्केमिस्ट अभी भी लोग पढ़ते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बहुत रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड बुक है वो। टिम्बो और डिस्कवरीज, जॉन डन की भी बुक्स बहुत, जॉन डन की पोएट्रीज बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, मेटाफर्स बहुत ज्यादा इनमें देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने सोनेट्स बहुत ज्यादा लिखी है, सटायरिकल पोएम्स इनकी बहुत ज्यादा रही हैं एंड सबसे ज्यादा एक पोएम तो आपके कोर्स में भी है, द डेथ टू डेथ बी नॉट प्राउड। जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो जॉर्ज हर्बर्ट की ईस्टर्न विंग्स बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनकी बुक, सॉरी इट्स अ पोएम, इनकी जो पोएम है
ईस्टर्न वेंग्स, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। जॉन वेबस्टर की बात करें तो इनकी ट्रेजेडी थी, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, एंड उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुई है द टचेस ऑफ माल्फी, बहुत ज्यादा फेमस हुए। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो ये एक एसेज थे, इन्होंने बहुत सारे एसे लिखे हैं। पहला आप देख सकते हैं एसे और काउंसिल, द सिविल मॉरल, इसके अलावा ऑफ स्टडीज भी इनका बहुत अच्छा एक ऐसे है। थॉमस विंटन मिडिल्टन की बात करें तो इन्होंने भी ट्रेजेडीज लिखी हैं, सिटी कॉमेडीज लिखी है, मतलब सिटी लाइफ के बारे में कॉमेडिक टोन में इन्होंने चीजें लिखी हैं। वर्क्स की बात कर लें द चेंजलिंग, विमेन बीवेयर विमेन, द चैसेट मेड इन चीप साइड, जॉन फिल्सर की बात करें तो इनकी द फेथफुल सेफर्डिस, द मेड्स ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी ये लिख रहे हैं, रोमांटिक भी लिख रहे हैं। रॉबर्ट बर्टन की बात करें तो इनकी बुक में आपको मेलनकली बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, मतलब सैड टोन पूरी पोएम का या बुक का इनका रहेगा। एंड अगर बुक की बात करें द एंटोनमी ऑफ मेलनकली इनकी बुक है। सैमुअल डैनियल की बात करें तो पोएट रहे हैं ये, हिस्टोरियन रहे हैं ये, सोनेट्स लिखे हैं, हिस्टोरिकल वर्क इन्होंने किया है, एंड इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस बुक रही है वो हो जाएगी पोयम रही है अ डिफेंस ऑफ राइम। रॉबर्ट हेरिक की बात करें तो ये एक कैलोराइन पोएट रहे हैं, एंड इनकी अगर पोयम के कलेक्शन की बात करें तो रेडियस और द वर्क्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, ये बहुत अच्छी से इनकी सेल हुई है, बहुत अच्छी पोयम इनकी है। सैलरी टोरेट की बात करें तो द एथेस ट्रेजेडिक, ये इनकी बहुत अच्छी है, नॉर्मली इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी है। नेक्स्ट आ जाती है द री एवेंजर्स ऑफ ट्रेजेडी। थॉमस डेकर की बात करें तो थॉमस डेकर जो है इनकी बुक जो है द शू मेकर्स हॉलीडे, ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है। अब हम चलते हैं सीधा प्यूरिटन एज पे। अब हम बात करते हैं प्यूरिटन एज की। प्यूरिटन एज को मिल्टन एज भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन इस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट राइटर या पोएट रहे हैं, प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर रहे हैं, एंड ये एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन याद रखिएगा, प्यूरिटन उन लोगों को कहा जा रहा है जो प्रोटेस्टेंट्स थे, एंड जो प्रोटेस्टेंट चर्च या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। एंड इस टाइम पे मार्टिन लूथर किंग का रिफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, सो ऑल ओवर यूरोप जो है वो एक अलग ही आप कह सकते हो रिफॉर्मेशन उस टाइम पे चल रहा था। सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की बात करूं, 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। एंड प्यूरिटन नाम मैंने पहले बता दिया क्यों दिया गया है, जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स है उनके लिए ये वर्ड प्यूरिटन यूज किया गया है। एंड ये इनका इंटेंशन क्या था कि ये चर्च को रोमन से लिंक करते थे, रोमन के रिचुअल्स को मानते थे, रोमन चर्च के रिचुअल्स को मानते थे, एंड क्रिश्चियनिटी को ये प्योर फॉर्म में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। अब इसकी वजह से अब इन्होंने जो प्यूरिटन थे या जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो इतने ज्यादा इस पॉइंट पे आके इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि उनका था कि कैथोलिक्स को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, कैथोलिक्स होने ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से अब जब आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करोगे क्या होगा, सिविल वॉर्स होंगे। तो बहुत सारे सिविल वॉर्स इस टाइम पीरियड में, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी हुए। सबसे बड़ा जो सिविल वॉर हुआ था वो चार्ल्स फर्स्ट और उनके अलायंस क्लेवलरीज और पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें राउंड हेड्स भी कहा गया, इन लोगों के बीच में हुआ था। एंड इसमें जो है राउंड हेड्स जीत गए थे, चार्ल्स फर्स्ट हार गए थे, तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। ओके, इसके बाद इनके जो बेटे थे चार्ल्स सेकंड, ये फ्रांस भाग गए थे। सो अब जो है जो रूल आ गया है, मोनार्की पूरी तरीके से हट चुकी है, किंग रूल हट चुका है, कॉमनवेल्थ ऑफ यूरोप या कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हो चुका है वहां पे। ओके, उस टाइप पे जो प्रोमिनेंट रूलर आए या प्रोमिनेंट पर्सन आए वो हो गए हमारे ओलिवर क्रॉमवेल। ओके, इज अ राइटर जिन्होंने उस टाइम पे चीजों को संभाला है। अब प्यूरिटन्स की एक खास बात हो गई थी कि वो नैरो माइंडेड लोग थे, रिप्रेसिव लोग थे, सिर्फ रिलीजन और सिविल लिबर्टी की बात करते थे। उनका कहना था जो चीज ऐसी है ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो स्टाइल ऑफ राइटिंग उस टाइम पे जो था वो गॉड सेंट्रिक हो गया था, हर कोई गॉड के बारे में बात कर रहा है, सिंबलिज्म के बारे में बात बहुत ज्यादा हो रही थी, एक पॉपुलर थीम बन गया था सिंबलिज्म कि गॉड के रेफरेंस में सिंबल लेके बात करनी है। ओके, जॉन डन इस टाइम पे भी प्रोमिनेंट रहे हैं, उन्होंने रिलीजन पे भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, गॉड पे बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं।
अब हम बात करते हैं रियलिटी ऑफ पोएम्स की, तो इसमें क्या हुआ, पोएट्री में जो है रियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया. ओके, रियलिज्म की बात क्या होगी कि अभी तक जो था शेक्सपियर थे, जॉनडन थे, जितने भी पोएट्स थे, वो अपनी अगर रोमांटिक पोएम्स लिख रहे हैं अपनी बिलवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको गॉडेस से, मून से, सी से, इससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, बट इस टाइम पीरियड में क्या हो गया, इस टाइम पीरियड में अगर कोई रोमांटिक पोएम्स लिख रहा है एंड वो किसी को अपनी बिलवर्ड को, किसी को नहीं अपने बिलवर्ड को किसी से कंपेयर भी करेगा तो वो एक रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश करेगा. वो किसी से कंपेयर नहीं करेगा कि शी लुक्स लाइक द गॉडेस और शी लुक्स लाइक एन एफ्रोडाइटी, ऐसा कुछ नहीं. वो एक सिंपल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देंगे अपने बिलवर्ड का. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एपिक एलिमेंट्स. सो इस टाइम पे एपिक एलिमेंट्स या आप कह सकते हो कि बहुत बहुत एपिक्स लिखी गई हैं एंड सबसे मेजर जो एपिक्स इस टाइम पे लिखी गई थी, सबसे पहले तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखी थी एंड नेक्स्ट थी फेरी क्वीन, ये स्पेंसर ने लिखी थी. एंड दोनों ही ये पोएम्स जो है वो 1000 वर्ड 10,000 लाइन्स की हैं. ठीक है, मिल्टन की ये जो बुक थी ये 10 बुक्स में डिवाइड की गई थी, एक पोएम को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है. एंड स्पेंसर की जो बुक थी, स्पेंसर की जो एपिक थी उसको 6 बुक्स में डिवाइड किया गया है. ओके, सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं. इसके अलावा होमर और वर्गिल की जो एपिक्स थी उनको ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में. रिलीजियस थीम मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्यूरिटन्स आ गए थे, वो रिलीजन को बहुत ज्यादा पॉइंट कर रहे थे, तो रिलीजियस थीम पे बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, जैसे जॉन बेनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. ओके, एडिशन ऑफ बिब्लिकल एल्यूशंस. रिलीजन आया है तो क्रिश्चियनिटी में एक ही तो बुक है, वो है बाइबल. सो बाइबल के बहुत सारे इमेजेस हर जगह, हमें बाइबल के बहुत सारे सिंबल्स हर पोयम, हर प्रोज, हर ड्रामा में देखने को मिल जाते हैं. ओके, अब हम सीधा चलते हैं कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से. सो इस टाइम पे रेनेसांस के बाद के जो राइटर्स आए हैं वो प्यूरिटन्स में थे. ओके, प्यूरिटन एज में थे. इसी टाइम पीरियड में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट और फिलोसफर्स आए, जैसे डिकार्ट हो गए, बेकन हो गए, न्यूटन हो गए, इसी टाइम पीरियड के हैं. लिटरेचर की जो स्पिरिट रही है वो क्रिटिकल क्रिटिसिज्म के फॉर्म में हमेशा रही है. लोगों ने एनालाइज, क्लासिफाई और सिस्टमैटिक वे से हर चीज को रखने की कोशिश की है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है. ये वो टाइम पीरियड है जहां पे हमारी बायोग्राफीज ऐड हो गई, इससे पहले बायोग्राफीज नहीं थी, बायोग्राफीज प्यूरिटन एज में आई है एंड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. इसी टाइम पीरियड में और एक चीज क्या हुई है, सटायर और आयरनी बहुत ज्यादा फेमस हुई है. प्यूरिटन एज के सबसे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वो मिल्टन रहे, मैंने पहले भी आपको बता दिया. एंड प्यूरिटन एज इट्स नॉट दैट गुड एज एलिजाबेथ. ठीक है, बट इट इज द सेकेंड ग्रेटेस्ट रेनेसांस पीरियड. चार पीरियड है उसमें ये सेकेंड नंबर पे आता है कि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो बहुत अच्छे से आए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. एंड इसके आगे के जो यूनिट्स हैं उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे पोस्ट होती रहेंगी, आप चैनल में बने रहिएगा. अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी. एंड अगर आपको कोई डाउट होता है सो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच.